अच्छा तबरेज जी तो कहीं ना कहीं सब लोग तो कह रहे हैं बाबा ढोंगी है। ढोंगी आप देखिए लोग कहना तो क्या है, देखिए ना यहाँ सिक्का देख के लोग यहाँ बेहाल हो गया है कि बाबा इतना पैसा ठूस रहा है। अब लोग दर्शन करने जाता है 5 रुपए। देखिए भीड़ भाड़ लोग इतना कर दे रहा है, इतना भीड़ भाड़ कर रहा है। बाबा कहते हैं कि मेरा जो सिद्धि है, मेरा मंत्र है, वो भंग हो जा रहा है। कह रहे हैं कि बाबा एक दिन में 15 लाख रुपए कमा, कहाँ से कमा रहे हैं? यहाँ हवन का मामला जो है, हवन में 1100 रुपए लिया। ना हवन में जो है घी लगता है, चंदन लगता है, क्या क्या नौगोल लकड़ी लगता है। वो लोग लाए, पैसा 1 रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा, वो खुद खरीद कर लाए। कोई 1 रुपया दे देगा तो हमसे आप पूछिए। हमारे साथ तबरेज जी हैं जो कि बाबा के कॉपरेट करते थे काफी शुरू से ही। करते थे नहीं, करते हैं भी। करते हैं, पता है, मतलब बाबा के शिविर लगा था 10 से लेकर 27 तक। आपने खूब जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन आज पता चल रहा है कि बाबा मतलब 27 तक बाबा यहाँ रहेंगे, 27 तक बाबा का शिविर लगेगा। जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। बाबा का गुरु जी का देहांत हो गया था तो बाबा बोले कि मैं जा रहा हूँ, फिर आ जाऊंगा 2 दिन में। हाँ। फिर हमने कहा, हमारे समिति के लोग कहा कि ना आप चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि बाबा भाग गए। हाँ। तो बाबा अपना वाइफ को भेज रहे हैं वहाँ, बाबा रुक रहे हैं। हाँ। बाबा देखेंगे जो भी पीड़ित लोग हैं। हाँ। उसको सही करके भेजेंगे। लेकिन अब देखिए भीड़ भाड़ लोग इतना कर दे रहा है, इतना भीड़ भाड़ कर रहा है। बाबा कहते हैं कि मेरा जो सिद्धि है, मेरा मंत्र है, वो भंग हो जा रहा है। जो हम सब किसी के पास पारंपरिक लाइन लगा के आ रहे हैं, मगर जहाँ जाते हैं बाबा वहाँ 50 आदमी जाकर खड़ा हो जा रहा है, बाबा को डिस्टर्ब कर दे रहा है लोग। मैं ये कहूंगा, अगर उस तरह का कोई पीड़ित हो जिसका लकवा जिसका फालिस हो, बाबा का इंटरव्यू कब होगा कि आप अकेले वहां आइए, किसी एक मरीज को लेकर आइए, अगर उसको सही नहीं करेंगे तब हम लोग कहेंगे कि बाबा गलत है। अच्छा तबरेज जी तो कहीं ना कहीं सब लोग तो कह रहे हैं बाबा ढोंगी है। ढोंगी आप देखिए लोग कहना तो क्या है, देखिए ना यहाँ सिक्का देख के लोग यहाँ बेहाल हो गया है कि बाबा इतना पैसा ठूस रहा है। अब लोग दर्शन करने जाता है 5 रुपए 10 रुपए चढ़ा रहे हैं कि बाबा एक दिन में 15 लाख रुपए कमा, कहाँ से कमा रहे हैं? यहाँ हवन का मामला जो है, तो हवन में 1100 रुपए लिया। ना हवन में जो है घी लगता है, चंदन लगता है, क्या क्या नौगोल लकड़ी लगता है। वो लोग लाए, पैसा 1 रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा, वो खुद खरीद के लाए। कोई 1 रुपया दे देगा तो हमसे आप पूछिएगा, कोई 1 पैसा नहीं देगा। मिल रहा है कि 1100 रुपया कट रहा है पर्ची, 1100 रुपया पर्ची कट रहा है। आप सामान मोबाइल होना कोई लिया था मेरा, मोबाइल मांगा था। 1100 रुपया जो पर्ची कट रहा है, जितना का वो सामान है वो सामान ला दे, पैसा 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा सामान ला दिया। हाँ, सामान उतना ला दे, 1 रुपया कोई नहीं लेगा। अच्छा जंतर मंतर के क्या खेल? जंतर मंतर खेला जिसको मर्जी ले, वो बोलते है इसमें मेरा मंत्र है, मेरा सिद्धि है। जिसका घर में सुख चैन नहीं रहता है वो रहेगा। जिसको मर्जी लेना, जिसको मर्जी नहीं लेना है। बाबा तो खुद बोल रहे थे कि स्टेज पे जाके जंतर लेने। हाँ, जिसको लेना है वो ले ले, जिसको जंतर लेना है। जो मंत्र बेचते थे पर्चा, उसमें उनका कुछ मंत्र है। वो बोल रहे हैं कि इसमें मेरा मंत्र है कि तुम्हारे घर पर अगर कोई सितम कोई दुख कोई तकलीफ आता हो तो इसमें माँ का कृपा है, तुम्हारे घर पर वो सितम तकलीफ दुख नहीं रहेगा। ये बाबा बोले है, जिसको मर्जी लेगा, जिसको मर्जी नहीं लेगा। अच्छा बाबा कब तक आ जाएंगे? बाबा है यही है, बाबा है यहाँ। हाँ यही है, मिलवाइएगा हमसे। अभी रुके, अभी यहाँ 1 घंटे में यही आएंगे फिर। अच्छा चलिए, अभी बाबा 1 घंटे में आएंगे, आप लोग रुके रहिए, बाबा आप लोग फिर इलाज करेंगे। आएंगे बाबा, आएंगे इलाज करेंगे। 27 तक बाबा रहेंगे, डेट लिखा हुआ 27 तारीख तक। लेकिन 27 तारीख तक दिखने में आ रहा है कि जो स्टेज पे उनका जो बैनर लगा था वो बैनर को हटा दिया गया है। हटा दिया गया होगा लेकिन कोई का हटा देगा क्या? कि और भी बैनर तो सामने दिख रहा है। ये तो टेंट हट रहा था, फिर अब माना किया गया नई टेंट है, 27 तारीख तक है तो है। मैं बोल दिया कि अपना हटने के रीजन क्या है? ना वो बोले कि 2 दिन में मैं फिर आ जाऊंगा वापस। ठीक है, तो लोग कह रहे कि भाग गया। तो फिर यहाँ प्रतिष्ठा ना लगा हुआ है, यहाँ मेरिट लगा हुआ है, इस जिला का, इस क्षेत्र का, इस गांव का, इस धरती का प्रतिष्ठा लगा हुआ है। वहाँ गुजरात से एक बाबा है, राजस्थान से आके चल है, और लोग कहते हैं कि ढोंगी है। एक सिक्का वहाँ लेता है 2 रुपया 4 रुपया देकर, लोग बेहाल हो गया है कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा है। देखे यहाँ हजारों दुकान लग गया है, कितने लोगों का रोजगार मिल गया इससे, ये किसी को नहीं दिख रहा है। हाँ, सब किसी को एक बार, मतलब जिसका हाथ नहीं है, जिसका पैर नहीं है, भगवान कोई बाबा नहीं ना है। अगर डायरेक्ट बाबा इस तरह सही कर देंगे तो फिर भगवान पर अल्लाह पर कोई भरोसा करेगा कोई? अभी एक बार डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वह 20 को रिपोर्ट 20 को जांच लिखेगा, दवा लिखेगा।